नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 20th ऑफ अक्टूबर, माफ़ कीजिएगा, बट हाँ 19th। कल के क्लास जो हुआ था उसमें प्रॉपरली डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया था, सो कुछ बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड वे में आज के क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा ना इस PDF का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको लगा दिया जाएगा, ठीक है? आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड भी सीधा कर सकते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है यहाँ पे सॉयल कार्बन स्टेबिलिटी को रिलेटेड न्यूज़ है। नाउ एक स्टडी कैरी आउट किया गया था बाई रिसर्चर्स और इसके द्वारा रिवील किया गया है दैट ग्रेजिंग एनिमल्स जो है ना, ग्रेजिंग एनिमल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कोई भी रीजन के सॉयल में लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर कार्बन इंस्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहे तो, ठीक है? की हाइलाइट्स अगर इस स्टडी का देख लीजिएगा तो बोला गया है दैट ये जो लार्ज मैमलियन हर्बिवोर्स होते हैं ना, जैसे याक ले लो, इबेक्स ले लो, नो डाउट दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल सॉयल कार्बन ग्रेजिंग इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और ये स्टडी पाया गया है हिमालयन के स्पिति रीजन में, स्टडी कैरी आउट करके बोला गया है एक साल से नेक्स्ट साल में अगर देख लीजिएगा सॉयल कार्बन पाया गया दैट फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन 30-40% मोर इन फेंस्ड प्लॉट्स। जैसे सोचो कोई एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक है, और दूसरा एक ऐसा रीजन है जिसमें बाउंड्री वॉल है। अब बाउंड्री वॉल वाले रीजन में क्या बाहर से जानवर आ सकते हैं? नहीं, राइट? बट बिना बाउंड्री वॉल रीजन में आराम से जा सकते हैं जानवर, है ना? तो इन दोनों में जब बाद में सॉइल के कार्बन कंसंट्रेशन को देखा गया तो वहां पे पाया गया यार जिस रीजन में नहीं जाना अलाउ किया जा रहा है ना, यहां पर कार्बन की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू दिस वाला एस्पेक्ट। ये कैसे हो गया भाई? तो देखो बोला जा रहा है दैट कुछ फैक्टर्स है इसके ऊपर, और वो क्या क्या है फैक्टर्स पहले देख लेते हैं। सॉइल कंडीशंस बोला जा रहा है नाइट्रोजन कैन इधर स्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज कार्बन पूल। इनफैक्ट ये जो हर्बीवोर्स के द्वारा ग्रेजिंग किया जाता है ना, उसी से ये बैलेंस भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर सोचो कोई घास है, राइट, वहाँ पे अगर एनिमल ग्रेजिंग कर रहे हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपका जाकर यहाँ पर यू नो इन फेवर लाइक चेंजेस जो हो रहे हैं वो, मतलब देखो अब अगर ग्रेजिंग किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू नो कुछ तो इस रीजन के इकोसिस्टम में चेंज होगा ना। इस रीजन को सोचो अगर खाया जाएगा, राइट, घास फूस, तो ये तो जानवर खा ले रही है ना इस घास फूस को, राइट? तो टेक्निकली क्या होता है, इससे सॉइल की जो आपका जाकर मॉइस्चर लेवल होगा, सॉइल में नाइट्रोजन लेवल होगा, इन सब का कंसंट्रेशन चेंज होता है। अगर नाइट्रोजन में फ्लक्चुएशन आ गया तो इनडायरेक्टली कार्बन में भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट जिराफ्स के बारे में न्यूज़ है। बोला जा रहा है जिराफ्स जो कि इंडिया में लाया जा रहा है बाय द ब्रिटिशर्स, इट मे बिलोंग टू इंडेंजर्ड स्पीशीज। जी हाँ, अ जेनेटिक डिस्टेंस एनालिसिस किया गया जिराफ्स के ऊपर, इसमें पाया, और ये जिराफ अलीपुर में रखा हुआ था, तो उनसे पाया गया दैट दे वेर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू न्यूबियन एंड रॉस्टचाइल्ड डेजर्ट। एक एक जिराफ एक एक डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो एक्चुअली हुआ क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए थे ना हमारे देश में तो 150 साल पहले की बात है, उन्होंने कुछ कुछ सिंगल स्पीशीज ऑफ नदर्न जिराफ लाया गया था इंडिया में फ्रॉम अफ्रीका, एंड दे नाउ कंप्राइजेज अ कैप्टिव पॉपुलेशन ऑफ 29 पॉपुलेशन ऑफ दीज नदर्न जिराफ अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिससे उनको मैनेज किया जाता है, दे आर एग्जॉटिक स्पीसीज दैट वेर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। प्रोटोकॉल्स जो मैनेज किया जाता है पॉपुलेशंस वो अलग है, लेकिन वैसे स्पीशीज़ के लिए जो क्या एग्जॉटिक हो, जो क्या बाहर से लाया जाता है, और वैसे स्पीशीज़ है जो क्या नेटिव में मतलब देश में ही रहा जाता है, तो इनके लिए प्रोटेक्शन जो क्लॉजेस हैं वो अलग होते हैं। एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो क्या बाहर से लाया जाते हैं उनका जो प्रोटेक्शन क्लॉजेस हैं वो चेंजेस होते हैं। न्यूबियन जिराफ के अगर बारे में बात करें तो इट इज़ द नॉमिनेट सब स्पीशीज़ ऑफ जिराफ, जिसका हैबिटेट अगर देख लीजिएगा इथियोपिया, केनिया,
युगांडा, साउथ सूडान और सूडान में पाया जाता है। IUCN अगर स्टेटस देख लीजिएगा, इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड नेक्स्ट रॉथस्चाइल्ड्स डिज़र्व की अगर बात करें तो इनको बनिंगो जिराफ भी कहा जाता है। एंड ये बेसिकली केनिया के रीजन में पाया जाता है। हैबिटेट अगर देख लीजिएगा, डेजर्ट एंड सवाना प्लेन ऑफ अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। IUCN स्टेटस अगर इसका देख लीजिएगा, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। इनफैक्ट अगर वाइल्ड जिराफ अगर देख लीजिएगा तो ये कुछ कुछ ऐसे पैचेस ऑफ वर्ल्ड है, स्पेसिफिकली अफ्रीका, जहाँ पे ये वाइल्ड और जिराफ्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट, फास्टर देन लाइट, साइंटिस्ट ने कुछ स्पॉट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, और उससे ऐसा माना जा रहा है दैट आने वाले समय में शायद ऐसा कुछ डिस्कवर हो सकता है विच इज़ मूविंग 7 times फास्टर देन लाइट इन सुपरनोवा लाइक इवेंट। नाउ ये है क्या? 2017 में आपको पता होना चाहिए लीगो ऑब्जर्वेटरी, लेजर इन्फेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिससे पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया था। इसमें रिकॉर्ड किया गया था अनयूजुअल जेट ऑफ मैटर फ्रॉम द मर्जर ऑफ 2 massive न्यूट्रॉन स्टार, जिसके कारण यह ग्रेविटेशनल वेव्स हमें देखने को मिला था। नाउ इससे लाइट का कैसे पता चलता है? देखो एक्चुअली में क्या हुआ था ना, मैं आपको बतला रहा हूँ। सवाल होता है दैट क्या अभी तक ऐसा फाइनल किसी के पास डिस्कवरी है दैट लाइट से भी कोई फास्ट चीज़ मूव करती है? तो अभी तक का तो आंसर है नो। हाँ, बट यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे कुछ कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं दैट ये शायद इल्यूजन होगा। ऐसा हो सकता है ना दैट आप आ रहे हो, तो आप अगर यहाँ पे सोचो, ठीक है, और या फिर टेलीस्कोप या फिर कुछ भी यहाँ पे, तो और कोई भी अगर चीज़ बहुत स्पीड से, लाइट के स्पीड से आपके तरफ ही आ रही है ना, तो यू विल फील प्रोबेबली दैट शायद इसका वेलोसिटी ज़्यादा है ना। मोस्टली ब्लैक होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सच फास्ट मूविंग मटीरियल्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज़ में थे, क्यों? क्योंकि 5th असेंबली जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो इनॉग्रेट किया गया था इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया होल्ड करती है द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ISA असेंबली विद गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस एज को प्रेसिडेंट असेंबली। द असेंबली ये जो है, ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहाँ पर ईच मेंबर कंट्री रिप्रेजेंट किया जाता है, हर एक मेंबर कंट्रीज को। इनफैक्ट यह मीट करता है एनुअली एट मिनिस्ट्रियल लेवल एट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इवेंट। इस साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का असेंबली जो है वो 3 क्रिटिकल इश्यूज को फोकस करेगा। एक तो एनर्जी एक्सेस रहेगा, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, और तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन। मेन अगर एम कुछ कुछ देख लीजिएगा तो एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग है ही इसका एम हर एक देश में, जिससे जल्दी से जल्दी यू नो फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। एनर्जी एक्सेस इंक्रीज करना, इनकरेज करना कोऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और रिड्यूस करना फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस लार्जर ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यह कैटर करता है टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इनपुट्स नीडेड ऑफ द फार्मर, दैट इज टेस्टिंग नीड्स, एक्सटेंशन सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, इक्विपमेंट्स। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है टू डेवलप मोर देन 3 lakh फर्टिलाइजर शॉप अक्रॉस द कंट्री एज समृद्धि केंद्र। इससे सिर्फ आपको यही पता करना है दैट ये समृद्धि केंद्र में होता क्या है। जो फार्मर्स की जो टेस्टिंग नीड्स होती है ना, सॉइल की ले लो, डिफरेंट सीड्स की ले लो, राइट, एक्सटेंशन सर्विसेज और भी बहुत सारे। देखो सिर्फ सर्विसेज क्या है ना, हमें फार्मर्स की सर्विसेज एग्जैक्टली पता नहीं, बहुत कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, तो बाकी जो मिसलेनियस सर्विसेज है ना, वो एक्सटेंशन सर्विसेज में आ रही है, ठीक है। फर्टिलाइजर नीड्स, सीड्स, इक्विपमेंट को रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर फैसिलिटी जो कि सरकार के द्वारा पहुँचाई जा रही हो, तो कहाँ से पहुँचाई जाएगी? इन प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से ही तो पहुँचाई जाएगी ना। और इसको लॉन्च कौन किया है? इसको लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को मिला है। हैदराबाद ने ओवरऑल विन किया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। किस कैटेगरी में? लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के कैटेगरी में। इनफैक्ट कहाँ पर? एट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022, जो कि साउथ कोरिया में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स। UIDAI ने टॉप किया है ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स 2nd कंसेक्यूटिव मंथ के लिए। DRPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस जो है वो निकालती है यह ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स।
मंथली बेसिस पे, और लगातार यूआईडीएआई 2 बार टॉप कर चुकी है इसमें। यूआईडीएआई का स्ट्रेंथ क्या है? ऑफकोर्स अब रिड्रेसल इकोसिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इनफैक्ट बोला जा रहा है 92% ऑफ ग्रीवांसेस जो है इसको एक हफ्ते में ही यू नो सॉल्व कर दिया जाता है। इनफैक्ट इनकी सर्विसेज जो है ना 12 लैंग्वेजेस में है, जिसमें आपको फ़ोन कॉल के थ्रू सपोर्ट मिलता है, ईमेल के थ्रू, चैटबॉट के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू, है ना, किसके थ्रू नहीं मिलेगा बताइए ना। UIDAI की अगर बात करें, इसको फाउंड किया गया था 2009 को, उसके बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना 2016 को अंडर आधार एक्ट। इसका काम किया है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना। आपका आधार कार्ड में देख लीजिएगा 12 डिजिट का एक नंबर है, दुनिया में किसी के पास वो नंबर नहीं होगा। मेरे पास जो नंबर है, दुनिया में किसी के पास वो नंबर नहीं होगा। सो UIDAI किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, बिल्किस बानो केस न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कुछ कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले शायद आपको पता होगा, हम लोगों ने एक न्यूज़ डिस्कस किया था जहां पर हम लोगों ने बोला था दैट हम लोग जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बना रहे हैं ना, इसमें वैसे कैदियों को हम लोग रिमिशन स्कीम के अंदर छोड़ देंगे जिन्हों क्या एक पर्टिकुलर यू नो लेवल ऑफ यू नो अपना सजा काट लिया है, ठीक है। तो इसीलिए अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस किसके लिए बनाया? 12 कैटेगरीज के लिए बनाया, और ये कॉन्विक्ट्स उन 12 कैटेगरीज के हैं जो क्या पकड़े गए थे इन द ऑफेंस ऑफ रेप, उनको कोई सजा का माफी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो प्रिजनर्स कौन कौन है जो कि एलिजिबल है स्पेशल रेमिशन के लिए? देखो ये लोग तो एलिजिबल नहीं है जो वैसे प्रिजनर्स जो कि ऑफेंस ऑफ रेप में पकड़े गए हैं, बट वुमेंस या फिर ट्रांसजेंडर कन्विक्ट जो क्या जिनका 50 साल से ज़्यादा है, या फिर मेल कॉन्विक्ट जिनका 60 या फिर 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। फिजिकली चैलेंज्ड और डिसेबल्ड कन्विक्ट्स विद इन जिसका 70% डिसेबिलिटी है या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है। टर्मिनली इल कॉन्विक्ट प्रिजनर्स है ना, जिन्होंने 2/3 ऑफ टोटल सेंसेंस आई मीन 2/3, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल का उसको सजा मिला, ठीक है, अगर 7 साल उन्होंने यू नो काट लिया है तो ऑफकोर्स 2/3 तो काट ही लिया, राइट, तो उनको भी छोड़ने का प्रोबेबिलिटी है। पुअर और इंडेंजेंट प्रिजनर्स हु हैव कम्प्लीटेड देयर सेंटेंस, या फिर पर्सनस हु कमिटेड एन ऑफेंस एट अ यंग एज ऑफ 18 से 21 के बीच में अगर उन्होंने किया तो यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट चलो भाई 19 साल का था, बच्चा ही होता है यार, एब्सोल्युटली यार 19 साल के बच्चे बच्चे ही, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। सो एनीवेज नेक्स्ट, ग्रीन क्रैकर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि चंडीगढ़ ने अलाउ कर दिया ग्रीन क्रैकर ना। आप सोचिएगा ग्रीन क्रैकर, वाओ यार ये तो पटाखे हम भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इससे तो पोल्यूशन ही नहीं क्रिएट होगा, ऐसी बात है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ग्रीन क्रैकर ले लो या ट्रेडिशनल क्रैकर, दोनों पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बट डिफरेंस पता है क्या है? ग्रीन क्रैकर जो है ना ये 30% लेस एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है एज द ट्रेडिशनल वन, इसलिए इनको ग्रीन क्रैकर बोला जाता है ना। ऑफकोर्स किस लिए होगा? केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशंस होंगे, ठीक है। सो या बट दोनों ही साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, दोनों ही एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। चंडीगढ़ ने अलाउ किया है द यूज ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंडर। बेसिकली ये कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको फिर से डिस्कस किया था, इफ़ यू कैन रिकॉल इट। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट फर्टिलाइजर कंपनीज को बोला गया है दैट देखो अगर आप सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को मार्केट में ले आ रहे हो तो उसके लिए आपको उस फर्टिलाइजर को एक बोरी में बंद करनी पड़ेगी और उस बोरी में बाहर में एक ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसका नाम रहेगा भारत, ठीक है ना। इंडिया में कॉमन बैग डिजाइन किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पर भारत यूरिया, भारत DAP, भारत NPK, क्या नहीं, मतलब जो भी फर्टिलाइजर के कैटेगरी किए जाएंगे ना। सवाल होता है दैट इसके पीछे सरकार अपना क्या वो दे रही है, अपना रैशनल। तो सरकार बोल रही है दैट देखो भाई फर्टिलाइजर जो है ना, इट मस्ट मेट द न्यूट्रिएंट कंटेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो कि हमारे देश में अलाउ किया, मतलब इस रेगुलेटरी बॉडी है, तो इनके अंडर में आकर न्यूट्रिएंट कंटेंट स्पेसिफिकेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और क्योंकि इस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए वी आर मेकिंग श्योर दैट उसको एक ही ब्रांडिंग के अंडर लॉन्च किया जाए,
है ना। मोड ओवर क्या होता है ना, जैसे सोचो एक ब्रांड ए आ गया मार्केट में, ब्रांड बी आ गया, ब्रांड सी। अब ब्रांड ए का पहले से दबदबा है तो किसान तो यही ब्रांड्स खरीदेंगे ना। अब इन ब्रांड्स का क्या होगा भाई, इनकी तो बिक्री बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जिससे फार्मर्स कन्फ्यूज ना हो, ब्रांड प्रेफरेंसेज उनका ना हो, इसलिए एक ही ब्रांड के अंडर सारा फर्टिलाइज़र आ जाएगा, ठीक है। जिससे फर्टिलाइज़र के सप्लाई में जो पहले डिले होता था, जैसे सोचो अगर सबका डिमांड यही है, ए फर्टिलाइज़र ही डिमांड है, ठीक है, तो ए फर्टिलाइज़र का सप्लाई तो उतना नहीं कर पाएंगे ना जी, ठीक है। बट अभी क्योंकि एक ही ब्रांड के अंदर आ जाएगा तो उसमें कुछ पंगा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टोकनाइजेशन टू प्रिवेंट ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड। दोस्तों अभी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे अमेजोन से कहीं से भी, तो आपको कार्ड का नंबर डालना पड़ता है ना, है ना। अभी टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, टोकनाइजेशन से जो है ना, एक्चुअली जो आपका क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड डिटेल जो कि आपको भरना पड़ता था, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय ए टोकन, जो कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन रहेगा ऑफ कार्ड का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा दैट आपका यूनिक कॉम्बिनेशन को आप इनपुट करके आराम से कार्ड को पेमेंट कर पाओगे। इससे ऑफ कोर्स क्विकर चेकआउट तो होगा ही, आपको कार्ड ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है फिजिकली, है ना। जो फॉल्स डिक्लाइंस होते थे वो बहुत हद तक घट जाएगा, इजी तरीके से कार्ड का मैनेजमेंट होना इजी हो जाएगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इनहांस होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। कल जो पुराने एमसीक्यू पूछे गए थे, सबसे पहले पूछा गया था वुल्फ वेरियट डिप्लोमेसी, ये एसोसिएट करता है विथ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, द आंसर इज चाइना। दूसरा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टॉप्ड द ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। एनजीटी, यूआईडीएआई, रेल मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखेगा। विल वेट फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर डिस्कशन।